चीन सरकार ने व्हाट्सएप की निजता के उल्लंघन मामले को गंभीरता से ले लिया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि स्मार्टफोन के उपयोग में नहीं रहते हुए उसका इस्तेमाल करने वाले दावों की मंत्री ने ट्वीट पर लिखा कि भले ही नया डिजिटल सूचना संरक्षण विधेयक तैयार किया जा रहा हो, लेकिन सरकार निजी सूचना की गोपनीयता के कथित उल्लंघन की जाँच कराएगी। दरअसल एक यूजर्स ने दावा किया कि उसके माइक्रोफोन में व्हाट्सएप की पहुंच ऐसे समय हुई जब वो सो रहा था। ट्विटर के इंजीनियरिंग विभाग के निदेशक फोर्ड ने कहा कि व्हाट्सएप बैकग्राउंड में माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा था। ये तब हो रहा था जब मैं सो रहा था और सुबह 6 बजे उठने पर पता चला। फोर्ड के ट्वीट का जवाब देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि इस प्रकार का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये गोपनीयता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा हम तुरंत इसकी जाँच कराएंगे। फोर्ड का ट्वीट वायरल हो गया है, इसे 6.5 करोड़ से अधिक बार लोगों ने देखा है। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से भारत के लाखों व्हाट्सएप यूजर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्पैम कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, जिससे कई भारतीय परेशान हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों को फाइनेंशियली नुकसान भी हुआ है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नंबरों का ये स्पैम कॉल ज्यादातर अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आ रहे हैं। वहीं माइक रिकॉर्डिंग मामले में व्हाट्सएप ने आगे जवाब दिया कि वो पिछले 24 घंटे से ट्विटर इंजीनियर के संपर्क में है, जिसने अपने पिक्सल फोन और व्हाट्सएप के साथ समस्या शेयर की है। व्हाट्सएप ने अपने सफाई में ये भी कहा कि बिना यूजर्स की अनुमति के व्हाट्सएप माइक का इस्तेमाल नहीं करता है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए व्हाट्सएप यूजर्स से किसी भी मैसेज या वॉइस को सुन नहीं सकता है। ट्विटर के साथ काम करने वाले इंजीनियर ने अपने फोन के स्क्रीनशॉट को भी साझा किया है, जिसमें व्हाट्सएप को कई बार एक्सेस करते हुए और अपने हैंडसेट के माइक्रोफोन को उपयोग करते हुए देखा जाता है, भले ही वो सो रहा हो। वहीं फोर्ड के स्क्रीनशॉट पर एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये व्हाट्सएप कॉल यूजर्स के लिए बहुत खतरनाक है। इनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए और न ही कॉल को पिक करना चाहिए। अगर आप ऐसे कॉल का रिप्लाई करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है और ये भी हो सकता है कि वो आपको नौकरी या अन्य जरूरी चीजों की पेशकश करे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम होगा। ऐसे में जरूरी है कि थोड़ी सावधानी बरती जाए। अगर संभव हो तो ऐसे नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए।